गांधी पर मुझ पर कोई आरोप लगाएगा, मैं महात्मा, मैं गांधीवादी नहीं हूं, एक बात, गांधीवाद में मेरा भरोसा नहीं है। दूसरी बात, मैं भारत के कृष्ण राम परशुराम शिव उन धारा से आता हूं, मैं किसी गांधी के धारा से नहीं आता। गांधी पर क्रिश्चियनिटी का पूरा प्रभाव था और इसलिए गांधी के पूरे दर्शन में क्रिश्चियनिटी का पूरा जोड़ है, आप देखेंगे। और गांधी के कारण आज हम अगर गांधी की मौत को मान ले कि एक व्यक्ति की मौत है, तो गांधी के कारण 10 लाख लोगों की मौत हुई, 10 लाख लोगों की मौत हुई गांधी के कारण, 10 से 20 लाख लोग मारे गए। तो मैं उनकी फिलॉसफी जो है सत्य अहिंसा सत्याग्रह पर, इसको नहीं मानता, साफ बोलूं। परंतु फिर भी मैंने कहानी कम्युनिस्टों की, मैं गांधीवाद को स्थापित किया है, इसलिए मेरी नजर आप, मेरी निष्पक्षता पे आप भरोसा कर सकते हैं कि मैं जिसको नहीं मानता हूं तो भी उसको स्थापित कर रहा हूं, क्योंकि कम्युनिज्म से लड़ने में गांधी ने जो है एक गांधीवाद बड़ी भूमिका निभाया है, और ये आपको कहानी कम्युनिस्टों की में लगेगा। आपको टॉयलेट गुरु में भी गांधीवाद स्थापित होता दिखेगा, सफाई के आग्रह को लेकर। फिर भी मैं कह रहा हूं मैं गांधीवाद को नहीं मानता, परंतु जहां जो है वो मैं आपको बता रहा हूं। गांधी को लेकर एक बहुत अच्छी किताब है, महात्मा गांधी और उनकी महिला मित्र, और ये मैं कहूंगा ये कहानी आपके उस पे है, ये पुस्तक हर किसी को पढ़ना चाहिए। गांधी के बारे में कहा जाता है कि गांधी सच बोलते थे, नहीं, गांधी झूठ भी बोलते थे। और इसीलिए आपको बता रहा हूं मैं कि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी की भांजी थी सरला देवी, उनके साथ जो उनके लव अफेयर थे, आज के भाषा में कहूं तो जिनको वो आध्यात्मिक पत्नी कहते थे, और जिसके कारण वो कस्तूरबा को बहुत बेइज्जत करते थे, रुमानी लेटर्स उनको लिखते थे, उस सरला देवी के पूरे विमर्श, अपने पूरे रिश्ते को वो अपनी जो खुद की बायोग्राफी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसमें वो छुपा ले गए। तो कहां से आप सच बोलते हैं, किधर से आप सच बोलते हैं? और गांधी ने, गांधी के पास एक बहुत बड़ी ताकत थी, वो ताकत ये थी गांधी जी के पास कि गांधी जी सच को घुमाकर इतना चाशनी में लपेट कर बोलते थे कि वो सच, उनकी नजर में वो सच था और जनता उसके पहलू को नहीं समझ पाती थी। और सरला देवी से अपने उस रिश्ते को गांधी ने चाशनी में डुबोकर आगे पत्रों में उसी तरह से लिखा है। गांधी सरला देवी के साथ शारीरिक रिश्ते तक पहुंच गए थे, नहीं बना ये अलग बात है, परंतु वो कहते हैं मैं पतित होते हुए बचा। गांधी सरला देवी के कारण कस्तूरबा को तलाक तक देने की स्थिति में पहुंच गए थे, और कस्तूरबा को बहुत बेइज्जत किया कि ये अनपढ़ महिला है, इसके साथ बहुत सारे प्रयोग हम नहीं कर सकते, गांधी का खुद का लिखा हुआ है। और गांधी को जो उनके शिष्य थे, वो आज के समय में अगर आप देखेंगे कि अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए गांधी ने सरला को बलिदान किया, यानी कि सरला से मन उब गया। सरला का बलिदान सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि गांधी के पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए उनके चेले बहुत तेजी से लगे थे, चेले ही बता रहा हूं सब, और चेलों की नाराजगी को गांधी ने कि आपका पॉलिटिकल करियर खत्म हो जाएगा, गांधी लगातार सरला को अपने साथ मंच पर ले ले लेके घूमते थे। आज कोई कर दे तो आज उसके छिछालेदार करके लोग मार देंगे सरला को। और गांधी ने पहली बार खादी को जो ब्रांड किया, वो सरला देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया। मंच पर सरला को खादी की प्रचार के लिए यूज होता था, इस खादी की साड़ी पहनो, और सरला बहुत ही संभ्रांत लेडी थी, वो रविंद्रनाथ टैगोर की अपनी भांजी थी, उनकी खुद की माँ स्वर्ण कुमारी थी और बहुत बड़ी साहित्यकार थी। और गांधी सरला देवी के पति जब जेल में थे तो गांधी उनके घर पर जाकर रहने लगे। खुद गांधी कहते हैं कि मुझे बड़ी बुरा लगा, मैं नहीं रहना चाहता था। और बाद में गांधी के चेलों ने सरला देवी पर आरोप लगाया कि सरला देवी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए गांधी के का उपयोग कर रही थी। परंतु सच ये है कि अगर गांधी के पत्र को हम पढ़ें तो गांधी अपनी कुंठित काम पिपासा की पूर्ति उस सरला देवी में करती थी, क्योंकि गांधी का जो ब्रह्मचर्य प्रयोग है वो दमन है, सेक्सुअली दमन है, उसका काम का दमन है, काम का दर्शन नहीं है। गांधी काम से कभी बाहर निकले ही नहीं, और इसलिए स्वप्न में वो खुद कर सरला को लिखते हैं कि स्वप्न में मैं तुम्हें देखता हूं, वो स्वप्न में उसके साथ होते हैं गांधी। तो गांधी का जो काम दमन है वो भारत के आज के लोगों का
जो काम दमन की मेंटलिटी है उससे मैच करता है, इसलिए गांधी को के इस ब्रह्मचर्य वाले बात बात पर बात नहीं होती, क्योंकि बहुतों के काम दमन गांधी के काम दमन एक जैसे लगते हैं। गांधी का ये काम दमन कहां से आया? ये आया कैथोलिज्म से, न कि भारतीय सनातन परंपरा। कैथोलिज्म में काम दमन सबसे बड़ा है। आप देखेंगे पोप ने कितनों का दुष्कर्म किया, नर्सों का, इन सब का, महिलाओं के साथ उनका क्या बर्ताव रहा है कैथोलिज्म का। जो अब्राहमिक रिलीजन है, ईसाइयत और इस्लाम, दोनों में काम एक पाप है, एक सिन है, पर भारत में काम एक देवता है। चार पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम, ठीक है, और देवताओं में काम को देव कहा गया है। पर गांधी का जो काम था वो उत्पीड़न का काम था। उनके साथ महिलाओं का जो उत्पीड़न हुआ वो बड़े पैमाने पर हुआ, और गांधी के उस गांधी के चेलों ने बहुत बड़े पैमाने पर उन पत्रों को नष्ट कर दिया, उन बातों को नष्ट कर दिया। 60 और 70 के उम्र में गांधी का बिस्तर पर वीर स्खलन होता था, गांधी के खुद के पत्र से है और वो महिलाओं से लिख रही है बात। तो गांधी भारतीय सनातन परंपरा से अधिक ईसाइयत के करीब थे और वो दिख रहा है, परंतु गांधी को स्टैचू करने के लिए उनके उस रूप को छुपाया गया, और गांधी ने खुद सत्य के साथ प्रयोग में सरला देवी जैसे रिश्ते को जो उनके पत्र में है उसको छुपाया। और बाद में इसको जस्टिफाई करने के लिए गांधी, मैंने कहा कि वो चाशनी में लपेट कर सच बोलते थे, वो हर बार सच नहीं बोलते थे गांधी, ये भी मैं बताऊं। तो बाद में कभी इंटरव्यू में कहा कि वो मेरा इतना आत्मीय प्रेम था, वो सरला देवी को अपनी आध्यात्मिक पत्नी कहते थे, बौद्धिक विवाह शब्द यूज करते थे, तो इतना वो नजदीक था जो कि मैं उसको अपने आत्मकथा में जगह नहीं दे पाया, अपने आत्मकथा यानी झूठ का पुलिंदा, जब आपने सच्चाई को ही नहीं स्वीकारा है। ऐसे आपको जो जवाहरलाल जयप्रकाश नारायण की पत्नी जो है सरला देवी, उनके बारे में लगेगा, और सरला देवी को बचपन में गांधी जो है, और जयप्रकाश नारायण और सरला देवी के बीच कभी शारीरिक संबंध न बने गांधी इसकी हमेशा तैयारी करते थे, और जयप्रकाश नारायण को बड़ी पीड़ित करते थे गांधी, बड़ा पीड़ा देते, उनको बहुत बेइज्जत करते थे गांधी। और सरला देवी जो है, सरला देवी का जयप्रकाश नारायण के साथ पति पत्नी का शारीरिक रिश्ता बन ही नहीं पाया, ये स्थिति बन गई थी ये, और जयप्रकाश नारायण रोते थे, जयप्रकाश नारायण के पास पैसे नहीं थे, तो गांधी उसको पीड़ित करते हैं अपने पत्र में कि मैं तो बिरला से पैसा लेता हूँ, पूंजीपति से, तेरा समाजवाद कहाँ गया। और उनकी पत्नी वहीं रहती है और जो है गांधी के पैर में मालिश कर रही है, ये कर रही है, और गांधी कभी नहीं चाहते थे। गांधी की मृत्यु के बाद जो है सरला देवी और जयप्रकाश नारायण साथ रह पाए, जब तक वो रहे साथ वो भेजते थे, वो पीड़ित होकर आ जाती थी, उनमें दौरा पड़ने लगता था उनको, अब वो दौरा वो जानबूझ के पड़ाती थी, हिस्टीरिया के दौरे या जो भी दौरे, तड़पने लगती थी, तो उनको फिर से वो वर्धा के आश्रम में, गांधी जी के आश्रम में रखो तो वो ठीक हो जाती थी, तो ये जानबूझ के होता था या क्या मालूम है। इसी तरह कुंदन जो आप आगे देखेंगे, आपको कंचन, कंचन के साथ आप देखेंगे, कंचन के पति के साथ कंचन का रिश्ता ना हो शारीरिक, इसकी पूरी व्यवस्था गांधी करते थे, और कंचन ने कहा मुझे तुम्हारे प्रयोग से कुछ नहीं लेना है। एक बार जबरदस्ती कंचन को उनके साथ सोना पड़ा नग्न, और कंचन बहुत आहत हुई, और कंचन अपने पति के साथ जो है जाके बाहर जाके गर्भवती हुई, गांधी पागल हो गए। गांधी पूरे यौन उत्पीड़क की भूमिका में, मैसाचुसेट्स जो आप जो कहेंगे, जो पीड़ित खुद को पीड़ित करता है और दूसरों को पीड़ित करता है, वो गांधी का वो व्यक्तित्व है जिसको जानबूझकर छुपाकर, और आज जिस तरह से मूर्ति बनाई जा रही है, वो मूर्ति अगर आज के लोगों को बना दी जाए, अभी आपने देखा एक हिंदू संत का ने आत्महत्या के उसमें क्या आरोप लगा कि उसके कोई वायरल कर देंगे वीडियो या समथिंग कुछ लगा, सोचो तब क्या होता। और गांधी के शिष्यों ने पूरी व्यवस्था सीखी, उस शिष्यों में खुद सरदार भी थे, और बाद में मनु गांधी जो गांधी के समय जब उनकी मौत हुई और नाथूराम गोडसे ने मारा, मनु गांधी थी और मनु गांधी उनके नजदीक थी, नोआ खाली में जब हिंदू मारे जा रहे हैं तब गांधी ये सेक्स के प्रयोग कर रहे थे, और गांधी जो है मनु गांधी को बाद में गायब कर दिया गया, सरदार पटेल इन सब ने गायब कर दिया ताकि मनु गांधी के जरिए गांधी की असलियत समाज के सामने ना आ जाए। तो ऐसे ढके छिपे व्यक्ति को महात्मा और भारत का राष्ट्रपिता, भारत के राष्ट्रपिता अगर कहेंगे तो भारत कहे जाएंगे जिनके नाम से भारत है, ये 20 और
19वीं सदी में आने वाले लोग भारत के पिता कहलाएंगे। भारत काम को देव कहता है, काम का उत्पीड़न नहीं करता, और अपनी पत्नी को के रहते हुए अपनी पत्नी के साथ जो बर्ताव किया है गांधी ने, वो बहुत बहुत पीड़ा वाला बर्ताव किया है, बहुत पीड़ा वाला बर्ताव किया है। वो अपने बच्चे के साथ, उनका एक बच्चा भागकर इस्लाम अपनाता है। जो आदमी अपने परिवार को नहीं बना सका वो देश बनाएगा, वो देश बनाएगा। हमारे यहाँ राम राज्य है, राम ने अपने परिवार को बनाया, देश बनाया। कृष्ण ने अपने परिवार को, युधिष्ठिर ने अपने परिवार को बनाया, भगवान शिव का अपना परिवार है, भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का अपना परिवार है। तो गांधी ने, मैं एक व्यक्ति का बायोग्राफी लिख रहा था, बड़े व्यक्ति हैं, नाम नहीं बोलूंगा, वो बड़े गर्व कर रहे थे कि मेरा भी परिवार टूटा हुआ है, क्योंकि गांधी का परिवार भी टूटा हुआ है। जो सफल व्यक्ति होते हैं उनके परिवार टूट जाते हैं। मैंने कहा राम और कृष्ण से सफल आप बड़े नहीं, शिव से सफल तो हो ही नहीं सकते कभी। तो गांधी ने ऐसे आदर्श बना दिए जो परिवार को गाली देते रहे। और आपको और आश्चर्य होगा, जब एक विदेशी आया तो उनके आश्रम में सार्वजनिक शौचालय होते थे, उसकी सफाई के लिए अपनी पत्नी को, कस्तूरबा को थप्पड़ मारे गांधी ने। कहां से हुआ अहिंसा? परंतु ये जो आपको मैंने बताया सरला देवी थी, सरला देवी को शौचालय नहीं साफ करती थी, सरला देवी रानी की तरह रहती थी वहां। इस तरह का दोहरा व्यक्तित्व है। और आप कहोगे कि गांधी गांधी नहीं कर सकता, और ये आज नहीं कह रहा हूं, मैं 8th क्लास में जब था पूरा असेंबली जो है गांधी 2 अक्टूबर बोला मैंने, और मैं तो तैयारी करके नहीं गया, मैंने नाम लिखवाया और मैंने विद्रोह विरोध में कहा लाल बहादुर शास्त्री। इसलिए मुझे पाखंड ना पसंद है, अपने व्यक्ति मेरे व्यक्तित्व में कोई पाखंड नहीं है। मुझे कई लोग कहते हैं सेक्स देव सेक्स गुरु, मैं तो कभी ना छुपाता हूं कि मैं सेक्स पे बोलता हूं, लिखता हूं, सेक्स पे चर्चा करता हूं। मेरे गुरु ओशो पे भी आरोप लगा, पर मैं गांधी जैसा पाखंड लेकर नहीं घूमता कि जिन महिलाओं का उत्पीड़न किया गया, कभी उनके दर्द देखे गए कि उनको गांधी को नग्न उनके साथ नहाना, उनके साथ गांधी चूंकि छोटा सा धोती पहनते थे तो उनके देह को गर्म करने के लिए महिलाएं नग्न होकर उनके देह में चिपक कर सोना, आज ये मन में होगा? और गांधी कोई तंत्र की साधना नहीं कर रहे थे कि उनकी काम ऊर्जा को ऊपर सहस्त्रार के तरफ ले जा रहे। 60 और 70 साल में बिस्तर पे वीरपतन होता था, सपने देखते थे, तो काम तो दमन था उनका। तो आपको कम से कम, मैं सबको कहता हूं आधुनिक समय में, कि गांधी का जो डिस्कोर्स होता है उसमें नाथूराम गोडसे वर्सेस गांधी होता है, और जिसमें पंच मकार बाजी मार ले जाते हैं कि देखो आपको गांधी के इस रूप की अध्ययन करनी चाहिए, तो आपको लगेगा कि आप महात्मा नहीं कर सकते। मैं बोल देता हूं कई बार मेरे साथी, लेकिन मैं महात्मा व्यंग से कहता हूं, तो महात्मा नहीं कर सकते। दूसरा कि भारत से जिनको राम राज्य सीताराम और गीता जो आप जोड़ रहे हो, ये इनके अंदर कैथोलिज्म का जबरदस्त प्रभाव था, इनके अंदर हिंसा बहुत जबरदस्त थी। इनका प्रथम गुरु एक इस्लामिक आदमी था, उनके अंदर इस्लाम का बहुत बड़ा प्रभाव था, ये कम लोग इस पे बात करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग पढ़िए, क्योंकि आप अगर पढ़ोगे तो आपको ध्वस्त करने के लिए दूसरों को 100 जन्म लेने पड़ेंगे। तो भारत ज्ञान की भूमि है, और मैं अभी पढ़, जितना सत्संग हो जितना आप पढ़ो आज के समय आधुनिक में, वही आपकी मुक्ति का मार्ग है। उसके लिए कहीं आपको जाके जंगल में साधना नहीं करनी, तो आप पढ़ो, ताकि ये जो कल्ट बनाया गया इस भारत में कृष्ण राम को भुलाकर, जहां चाहे इनकी मूर्ति टांग दे रहे, जहां चाहो मूर्ति टांग दो। आज जो आदमी भारत के विभाजन का कारक रहा, अब्राहम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि जब अमेरिका का विभाजन और गृह युद्ध दो में से कुछ एक चुनना था, अब्राहम लिंकन ने गृह युद्ध चुना और अमेरिका एक रहा। गांधी ने क्या चुना? अहिंसा के नाम पर 10 लाख लोगों की हत्या, संघार। तो कैसे कहें हम, आपकी अहिंसा फेल हो गई, 10 लाख लोगों की मौत हुई, आपका सत्याग्रह फेल हो गया, जिनके लिए सत्याग्रह आपने खिलाफत मूवमेंट में किया था उनको आपने, वो जो दब गया था कट्टरता, इस्लामिक कट्टरता, उसको फिर से उभार कर आपने भारत विभाजन की राह देखी, पैदा की। आप सत्य की बात करते हैं, आपकी खुद के बायोग्राफी में झूठ भरा हुआ है। आप अपरिग्रह की बात करते हैं, यदि बिरला नहीं होते, जमुना बजाज नहीं होते, तो आपका अपरिग्रह सफल होता क्या? आपकी पूरी पूरी फंडिंग की गई आपको स्वतंत्रता आंदोलन में। ब्रिटेन उस समय
दरभंगा के महाराजा ने पूरा फंड किया था, एक पत्रकार ब्रिटेन ने इनके साथ लगाया था, वो पत्र मेरे पास, मैं एक पुस्तक लिख रहा हूँ बहुत दिनों से आपको बता रहा हूँ कहानी कम्युनिस्ट के बाद, महात्मा नहीं थे गांधी। तो अपरिग्रह ये भी फेल है आपका, लोकतंत्रात्मक आप कभी रहे नहीं। 1929, 1936, 1946 जिस जवाहरलाल नेहरू को एक वोट नहीं मिला उसे जबरदस्ती वीटो का प्रयोग करके उसको अध्यक्ष बनवाया, देश का प्राइम मिनिस्टर बनाया, आप अलोकतांत्रिक रहे। तो हम आज लोकतंत्र की दुहाई दें, उस अलोकतांत्रिक को हम महात्मा बनाते रहे, ये तो ना होता है, मेरे से नहीं होने वाला, मैं तो नहीं हो सकता। मुझे पाखंड नहीं पसंद है। मुझे दुनिया में अगर लोग कहेगा कि झूठ और पाखंड, झूठ से दोनों से लिपटे हुए, लेकिन मैं पहला प्रहार पाखंड पे करूंगा। हिपोक्रेसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जो आप हैं वो साफ कहिए, साफ दिखिए आप ऐसा, उस रूप में अगर लोग आपको स्वीकार करते हैं ठीक, नहीं स्वीकार करते ना ठीक, पर अपने पॉलिटिकल कैरियर को बचाने के लिए आपने फिर सरला को दांव पर लगा दिया, पत्नी को तलाक देने। भारत की सभ्यता में तलाक है, कस्तूरबा मरती रही तिल तिल मरती रही कस्तूरबा, कस्तूरबा को घर से भगाने की स्थिति की आपने, और अंत में जब टीबी से मर रही थी, डॉक्टर कह रहा था कि इनको इंजेक्शन देने दो, बोला हिंसा हो जाए, और बिना इंजेक्शन कस्तूरबा को तड़प तड़प कर मरने दिया। आपको पता है 42 का जो आंदोलन हुआ, आगा महल में गांधी को जो कैद करके रखा गया, गांधी के साथ 3 महिलाओं को भी साथ रखा गया, ऐसा कैद भारत में आपने देख, वीर सावरकर को कौन सा कैद दिया गया, इनको गाली ये लोग देते हैं, 2-2 जन्मों की आजीवन सजा, नाखून से लिखते रहे दीवार पर। गांधी को आगा खां महल में, पत्र बता रहे हैं, गांधी को, मैं उनका नाम भी बताता हूं, 3 जो महिलाएं उनके साथ रही, गांधी को जो आगा खां महल में रखा गया 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में, तो 3-3 महिलाएं उनके साथ रखी गई। ये किस तरह का जेल है, कहां मिलता है जेल? चलो हमें भी सब जेल में रखो, हम सब भारतीय जेल में जाएंगे, कौन सा जेल ऐसा है? सावरकर के साथ ऐसा व्यवहार, और फिर गांधी को जेल में रख दिया, नेहरू को जेल में रखा, तो उनको किताब लिखने के लिए कहा कि ये लो 300 किताब, इससे छाप करके किताब लिख दो। 3 महिलाएं उनके साथ आगा खां महल में थी, उसमें शायद एक सरोजिनी नायडू भी थी, 2-3 और महिलाएं थी, मैं नाम आपको बता दूंगा कभी, या फिर ये किताब आप पढ़ लीजिए, तो इसमें है, इसी किताब में पत्र का भी जिक्र मिलेगा आपको, है मिलेगा। तो ऐसी ऐसी आजादी और ऐसा जेल, तो फिर इसलिए मेरा सीधे सीधे बात है कि गांधी को काटना है अगर, गांधीवाद को ध्वस्त करना है अगर, और भविष्य का कोई प्रधानमंत्री गांधी की माला ना जपे ये चाहते हैं अगर, तो आपको गांधी के पूरे साहित्य की चीड़फाड़ करनी होगी, सर्जरी करनी होगी, ये आपको खुद करना होगा। और आप कर जाओगे तो आप, मेरा विश्वास करो, आप मुझ पर भरोसा करते हो, आप विस्फोट कर जाओगे, आप सच को छुपाए नहीं रख सकोगे, पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, अपने YouTube चैनल ले आओगे, Facebook पर, Twitter पर, Telegram, आप चुप नहीं रहोगे, यही आपकी मुक्ति है। सच को जानकर सच को बोलना। भारत बहुत समय पाखंड में रहा, इसलिए आजादी के 70 साल बाद भी हिंदू पीड़ित है, पर दलित है, वो लगता है कि उस देश में वो 2 दर्जे का नागरिक है, कि बहुत बड़ी बड़ी वजह इस टाइप के महात्मा रहे। लेकिन मूर्तियां बना रहे, सुबह सुबह देख रहा हूं सब जा रहा है, केजरीवाल सुबह उठ के चला गया। अरे नाटक, गांधी एक ब्रांड बन चुके हैं, वो ब्रांड जो हर पाखंड को छुपाता है, वो ब्रांड का नाम गांधी है, हर पाखंड को छुपाने वाले ब्रांड का नाम गांधी, और इसीलिए हर पाखंडी का सर्वप्रिय गांधी है। हर पाखंडी का सर्वप्रिय, जो भी कहे गांधी, समझ लेना कि इसके जीवन में पाखंड है, सच्चाई नहीं। तो ये पुस्तक आपके गांधी पर इतनी सारी उपलब्ध करा दी गई है, नाथुराम गोडसे की भी है और सबकी है, आप लोग पढ़ सकते हैं। आपको प्रयास किया है कि कपोत के जरिए मैं आपको जो वो साहित्य जो आपके लिए आवश्यक है वो पढ़ें, इसलिए यहाँ पर बहुत फिक्शन उक्शन नहीं डाले गए हैं, फिक्शन भी वो डाले गए हैं जो आपके लिए आवश्यक है, उसको पढ़ें। और शास्त्री जी को मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतने छोटे कार्यकाल में भारत के अभी के, अगर आप सही मायने में अवलोकन करोगे तो उनसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर कोई नहीं हुआ, जिसने हारी हुई मानसिकता को लाहौर में घुस गया, आज भी कोई पीओके पार करने का हिम्मत नहीं करता।
तो शास्त्री ऐसे थे। आप सबका बहुत धन्यवाद।